नमस्कार दोस्तों, मैं अमिता। मेरे YouTube चैनल अमिताज किचन कुछ मीठा कुछ नमकीन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है आजकल बंदे खाने को लेके बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। सब लोग बहुत ही हेल्दी खाना चाहते हैं। सबको लगता है कि आज के टाइम में, आज की भागदौड़ की जिंदगी में ऐसा खाना खाओ जो हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो, फिलिंग भी हो। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए एक बहुत ही हेल्दी चीले की रेसिपी लेके आई हूँ, ओट्स चीला, जो बनता टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी भी होता है और बहुत ही फिलिंग भी होता है। तो जो डाइटिंग कर रहे हैं उनके लिए भी, जो हेल्थ कॉन्शियस है उनके लिए भी, तो सबके लिए ये चीला बहुत ही बढ़िया रहता है। एज अ ब्रेकफास्ट, एज ए लंच, आप किसी टाइम भी खाइए उसको दही और चटनी के साथ। और मैंने उसके साथ एक बहुत ही अच्छी ग्रीन चटनी की रेसिपी भी शेयर करी है। तो फ्रेंड्स, आपको चलिए मैं चीला की रेसिपी बताती हूँ। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स आपने, तो फटाफट कर डालिए और मेरे वीडियोस देखिए और बताइएगा भी, मुझे फीडबैक दीजिएगा कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। तो चलिए हम चीला बनाना शुरू करें। चीला बनाने के लिए मैंने 3/4 कप ओट्स लिए हैं। इनको पैन में डालेंगे, गैस ऑन कर ली है। अब इसको हमने कंटिन्यूसली 2 से 3 मिनट तक स्टिर करना है, जिससे ये नीचे लगे ना। इसमें ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, इसको ड्राई रोस्ट करना है। चलिए इसको हम 2 से 3 मिनट तक इसको हम भून लेते हैं। जब इसमें एक अरोमा, एक स्मेल भुनने की आने लगेगी और इसका कलर भी हल्का हल्का सा पिंक ब्राउन टाइप का हो जाएगा, तब तक हमें इसको रोस्ट करना है। कि हमने ओट्स को 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करा है, डैट मीन्स हमने कोई भी ऑयल वगैरह यूज नहीं किया इसको ड्राई और रोस्ट करने के लिए। ये देखिए, इसमें एक अच्छा सा अरोमा आ रहा है, भुनने की स्मेल आ रही है। तो अब डैट मीन्स ये हमारा बिल्कुल भुन गया है। अब इसको हमने ठंडा कर लेना है, अच्छे से ठंडा कर लेते हैं, एक बाउल में निकाल लेते हैं तो ठंडा हो जाता है। उसके बाद हम चलिए चीला बनाना स्टार्ट करते हैं। कि ओट्स ठंडे हो गए हैं अच्छे से। अब इस समय 2 ऑप्शन है, या तो आप इसको एज इट इज़ यूज़ करिए, या इसको मिक्सर ग्राइंडर में चला लीजिए, इसको महीन पीस लीजिए। आप जैसे भी चीला बनाना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है। मैं तो ऐसे ही बना रही हूँ, इसी तरीके से इसको बस ठंडा कर लिया है। और ये चीला जो है उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है जो थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, हेल्दी फूड खाना चाहते हैं या डाइटिंग कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है ब्रेकफास्ट का, लंच, आप किसी भी समय खा सकते हैं इसको। तो चलिए इसके बाद हम इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी है, वो मैं बताती हूँ आपको। इसमें हम डालेंगे अराउंड 1.5 स्पून बेसन डालेंगे, एंड 1.5 स्पून अराउंड सूजी डालेंगे इसमें। और उसके बाद हमने डालनी है वेजिटेबल्स। इसमें डालेंगे हम 1 ग्रीन चिली, छोटी छोटी महीन काट लेंगे। ये आपकी चॉइस पे है कि आप कितनी डालना चाहते हैं, नहीं डालना चाहते तो भी आप अवॉइड कर सकते हैं। 1 छोटा टुकड़ा कैप्सिकम का फाइनली चॉप, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का अच्छे से कटा हुआ महीन, 1 छोटा टुकड़ा कैरेट फाइनली चॉप। देखिए, वेजिटेबल्स का जो आपके पास अवेलेबल है वो डालिए, या केवल आप प्याज और धनिया से, इससे भी बना सकते हैं, वो एक पर्टिकुलर ऐसी वेजिटेबल इसके लिए ज़रूरी नहीं है। इसके बाद इसमें डालेंगे हरा धनिया डाल देंगे इसके बाद इसमें। इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करना है हमने। देखिए पानी ही देख लेते हैं, और डालते हैं थोड़ा सा। बहुत पतला भी नहीं करना, पर थोड़ा सा तो रखना है, क्योंकि अभी देखिए हम सूजी भी फूलेगी हमारी, हमने इसको अभी ढक के रख देना है। ये देखिए, ये देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। ये देखिए पानी मुझे थोड़ा सा और कम लग रहा है, क्योंकि अभी सूजी फूलेगी, तो मैं इसमें थोड़ा सा और डाल देती हूँ पानी। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इस टाइप का भी रखिए, क्योंकि मुझे अभी सूजी फूलेगी तो थोड़ा सा पानी हमें शायद और यूज़ करना पड़ेगा। ये देखिए अब हम ये पूरा अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। और ये ध्यान रखिएगा, अभी इस टाइम पे इसमें कोई भी स्पाइसेस वगैरह भी मत डालिएगा, नमक तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नमक डालेंगे तो पानी छोड़ जाएगा। अब हम इसको रख के अराउंड 15 से 20 मिनट के लिए इसको ढक के छोड़ देते हैं। ये 15-20 मिनट हो गए, मैं अब इसको चेक कर लेते हैं, हम लोग इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लेते हैं कि ठीक है कि नहीं। ये देखिए लगभग ठीक है, थोड़ा सा पानी डालेंगे हम इसमें, थोड़ा सा,
इसमें अराउंड देखिए हम एक टेबल स्पून अराउंड 10 पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसे ही हमने इतना ही रखना है। सूजी भी फूल चुकी है ऑलरेडी, तो चलिए अब हम इसमें स्पाइसेस डाल लेते हैं। स्पाइसेस में इसमें सबसे पहले हम डालेंगे सॉल्ट, अराउंड इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट डल जाएगा, बाकी सॉल्ट टू टेस्ट है। 1/4 स्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी ग्रीन चिली डाल चुके, बाकी ऑप्शनल है। और थोड़ा सा 1/4 से भी कम 1/8 टीस्पून हम ब्लैक पेपर डालेंगे, एंड 1/2 अराउंड टीस्पून हम भुना ज़ीरा, पिसा हुआ भुना ज़ीरा डालेंगे इसमें, और बाकी हमने और कुछ भी नहीं डालना है इसमें। अब हम इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद चलिए हम चीला बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसको बस आप एक बार टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि सॉल्ट अगर आपको लग रहा हो या मिर्च आप ज़्यादा तीखी खाना चाहते हो तो वह आप ऐड ऑन कर लीजिएगा। बाकी चलिए अब हम चीला बनाते हैं। चीला बनाने के लिए हमने पैन गरम करने रख दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 स्पून ऑयल, आप जो चाहें, मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ। अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं या हेल्दी फूड खाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपने ऑयल नहीं खाना है। ऑयल थोड़ा सा हेल्दी फैट भी बहुत अच्छा होता है, थोड़ा थोड़ा ऑयल भी बहुत ज़रूरी है, चाहे आप डाइटिंग कर रहे हो या कुछ भी। ऑयल को इस तरीके से पैन में अच्छे से फैला देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चीले का बैटर। आपको किस साइज़ का बनाना है ये आप देख लीजिएगा। मैं बहुत ना बड़े बनाऊंगी ना बहुत छोटे, इसको हल्का हल्का सा साइज से आप खिला लीजिएगा। चेक कर लेना हमने, ये देखिए इसको अराउंड 1 मिनट हम खोल के पकने देंगे। हम इसको मीडियम फ्लेम पे करेंगे, 1 मिनट हम इसको मीडियम फ्लेम पे होने देंगे, उसके बाद हम कवर करेंगे। ये देखिए हमारा बिल्कुल चीला हो गया। मैंने बहुत बड़ा भी नहीं बनाया और बहुत छोटा साइज का भी नहीं बनाया है। इसको अभी 1 मिनट के लिए हम कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे, मैंने आपको बताया है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल मत करिएगा। कि हमारा 1 मिनट चीला मैंने खोल के कर लिया है, अब इसको हम 1 मिनट के लिए कवर कर लेंगे। ये ध्यान रखिएगा फ्लेम बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे मत रखिएगा, इसको स्लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है 1 मिनट के लिए केवल। तो चलिए अब 1 मिनट इस तरह से कवर करके इसको पका लेते हैं। 1 मिनट हो गया, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। हम इसको पलट देंगे ना, और इस साइड भी हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। आप कोई भी ऑयल में बना सकते हैं आप इसको। इसको मैंने कर दिया और हल्का सा प्रेस करेंगे इस तरीके से, हल्का सा प्रेस करेंगे पीछे की साइड से, इस तरीके से प्रेस कर लेंगे इसको, सारी तरफ से प्रेस करना आपने अच्छे से। और इसके बाद हम इसको फिर 1 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। 1 मिनट हो गया, चलिए अब हम इस साइड से भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए इधर से भी हो गया है। अब दूसरी साइड से हम थोड़ा सा उसको अच्छे से, पक तो गया ही है, हल्का सा जरा सा ब्राउन हो जाए ऊपर से तो खाने में भी क्रिस्प हो जाएगा, तो टेस्टी लगता है। अब हमारा चीला ये तैयार हो गया, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बस 1 मिनट के लिए हम इसको कर रहे हैं। चीला हो गया ये वाला, हम इसको प्लेट में निकाल देते हैं। ये देखिए ये मैं कह रही थी थोड़ा सा क्रिस्प करना है, मैं दूसरा चीला डाल देती हूँ बनने के लिए, और उसके बाद चलिए हम इसके साथ के लिए ग्रीन चटनी भी बनाते हैं। फटाफट आपको स्पाइसी ग्रीन चटनी का भी बता देती हूँ। मैंने देखिए 1 कप हरा धनिया डाला हुआ है, 1 मीडियम साइज़ का प्याज है, जैसे भी काट लें आप कोई दिक्कत नहीं है, 4 हरी मिर्चें लेंगे, ज़्यादा बहुत स्पाइसी नहीं है। देखिए एक छोटा टुकड़ा अदरक का लेंगे, और 6 से 7 ये गार्लिक क्लोव्स हैं ये डालेंगे, और 1 बड़े नींबू का रस डालेंगे। डिपेंड करता है, 1 नींबू अगर बड़ा है काफ़ी उसमें जूस है तो 1 डालेंगे, और नहीं तो फिर आप 1.5 नींबू डाल लीजिएगा, क्योंकि जब तक चटपटी स्पाइसी नहीं होगी चटनी अच्छी नहीं लगेगी। इसमें डालेंगे 1/4 स्पून सॉल्ट का डालेंगे,
और 1/8 स्पून शुगर डालेंगे। शुगर ज़रूर डालिएगा अगर आप हरी स्पाइसी चटनी बना रहे हैं, क्योंकि वो खट्टा मीठा सारा बैलेंस अच्छे से कर देती है सब चीज़ को। चलिए अब हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में चला लेते हैं। ये हमारी ये धनिया की चटनी बिल्कुल पिस गई है अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में, और कलर देखिए आप कितना अच्छा ग्रीन कलर आया है बिल्कुल। तो हमारा दूसरा चीला भी बन गया है, तो चलिए अब हम फटाफट सर्व कर देते हैं सब चीज़ों को। हमारा दूसरा चीला भी मैंने एक साइड से पलट लिया था, ये देखिए परफेक्ट तैयार हो गया है। चलिए अब इसको हम दही चटनी के साथ सर्व करती हूँ मैं इसको फटाफट। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये ओट्स चीला बिल्कुल रेडी है, जिसे मैंने घर की जमी हुई दही जिसमें मैंने थोड़ा सा नमक, भुना हुआ जीरा और काली मिर्च डाली है, और साथ में हरी चटनी की वीडियो तो मैंने आपके साथ शेयर करी है, के साथ सर्व कराएं। और ये बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और फिलिंग ब्रेकफास्ट है। ये आप इसको एज अ लंच भी खा सकते हैं, किसी भी टाइम खा सकते हैं। आप इसको बनाएंगे ना एक बारी तो आपका बार बार इसको बनाने का मन करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको ट्राई करिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, ये रेसिपी अच्छी लगी हो, तो इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपका चीला अच्छा बना, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।